हेलो एवरीवन, लक्ष्य प्रॉपर्टी चैनल पर आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्य प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल आपको रोहतक सिटी के अंदर नई नई प्रॉपर्टीज की डिटेल आपको डेली टू डेली प्रोवाइड करता रहता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको रोहतक सिटी के अंदर बिल्कुल दिल्ली रोड के ऊपर आपको लेकर आए। जो सामने आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ये आपको दिल्ली रोड का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये सेक्टर आपको बिल्कुल लग्जरियस लुक देने का काम करेगा फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर जो मूवमेंट है काफ़ी सारी आपको देखने मिलेगी। सबसे बेस्ट रेजिडेंशियल सेक्टर आपको रोहतक सिटी के अंदर ये देखने मिलेगा, क्योंकि इस सेक्टर की जो लोकेशन है वो बहुत ही गजब की है। क्योंकि IMD चौक बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है, दिल्ली बाईपास चौक बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। इतना ही डिस्टेंस आपको IMD चौक के लिए, इतना ही दिल्ली बाईपास के लिए आपको देखने मिलेगा। साथ ही नियर बाई की बात करते हैं तो आपको बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी साथ में बिल्कुल आपको देखने मिलेगी। अक्षरधाम मंदिर है, तिलियार लेक है, इसके साथ ही जू भी आपको बिल्कुल नज़दीक देखने मिलेगा। साथ ही जो कमर्शियल एरिया रोहतक इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी आपको बिल्कुल नज़दीक देखने मिलेगा। तो और इसके अलावा हम बात करते हैं फ्यूचर के अंदर जो यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे ही फ्यूचर के अंदर मेट्रो यहाँ पर रोहतक सिटी के अंदर आया, सबसे पहले आपको दिल्ली रोड के ऊपर देखने मिलेगी। तो मेट्रो के आने के बाद भी यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी सारे आपको देखने मिलेंगे। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज, हमारे पास आपके लिए इसी सेक्टर के अंदर बहुत ही गजब का लोकेशन का एक प्लॉट सेल के लिए आया, जो कि आपको 45 मीटर रोड के साथ आपको देखने मिलेगा। 45 मीटर रोड के साथ मात्र आपको 20 मीटर की दूरी पर आपको अपना प्लॉट देखने मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल बहुत ही गजब के लोकेशन के ऊपर। इसके साथ ही आपको नॉर्थ फेस का प्लॉट देखने मिलेगा, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो के साथ देने वाले हैं। साथ ही आपको आसपास का एनवायरनमेंट दिखाने वाले हैं और इस सेक्टर की जानकारी आपको मैक्स टू मैक्स शेयर करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल मेन एंट्रेंस रोड आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको बिल्कुल लग्जरियस लुक देखने मिल रहा है। साथ ही पीछे आप देखिए ग्रीन पार्क आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको पीछे कमर्शियल मार्केट सेक्टर 27 की देखने मिलेगी, जहाँ पर जो SEOs है वो भी यहाँ पर शेयर परचेजिंग के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर जो SEOs है वो यहाँ पर बनने स्टार्ट हो चुकी, तो आपको बहुत ही गजब का रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल मेन एंट्रेंस रोड आप देख चुके हैं, इसी रोड के साथ आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मकान बने हुए हैं, काफ़ी सारी रेजिडेंस हो चुकी है और भी यहाँ पर रेजिडेंस होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी हम आपको शेयर करने का काम करते हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इसके साथ ही अगर आप प्राइस रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए नंबर संपर्क करके आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। हम आपके सभी डाउट क्लियर करने का काम करेंगे। जैसे आप हमारे पास कॉल करते हैं, हम आपको यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है, इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने फ़ायदे क्या हैं, कौन से प्लॉट हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही जो मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करेंगे। तो गाइज़, आप हमारे नीचे दिए नंबर संपर्क करके आप सभी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं सेक्टर 27 के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के पास, और वहाँ ले जाकर आपको जानकारी शेयर करने का काम करते हैं। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, सेक्टर 27 के अंदर हम आपको लेकर आ चुके हैं। सेक्टर 27 के अंदर जो फेस 1 है, उससे जैसे हम अंदर आते हैं तो 24 मीटर रोड आपको ये देख सकते हैं। ये आपको सेक्टर 27 के अंदर फेस 1 और फेस 2 को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी रोड के साथ जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको 24 मीटर रोड बना हुआ दिखाई देखने मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ये पीछे आपको मरवा सोसाइटीज और सेक्टर 26 की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर 45 मीटर रोड है। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोकेशन प्लॉट देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पर 10 मरला के अंदर प्लॉट देखने मिलेंगे, जिनके अंदर हमारे पास 10 मरले के अंदर भी यहाँ पर प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही जैसे हम इस रोड के हम सेक्टर 26 की तरफ चलते हैं, तो आगे जाकर आपको जो राइट साइड का प्लॉट है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट आपको देखने मिलेंगे। तो हमारे पास जो 500 गज का प्लॉट आया वो वहाँ पर आया हुआ है, तो अब हम आपको उसके पास लेकर चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, हम आपको सेक्टर 27 के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के पास लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर देख सकते हैं सामने आपको ये 18 मीटर का रोड आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कितना वाइड रोड आपको दिखाई दे रहा है। इसी 18 मीटर रोड के ऊपर आपको हमारा प्लॉट देखने मिलेगा, जो कि देख सकते हैं 18 मीटर रोड आपको, ये जो पीछे आप रोड देख ट्रैफिक देख पा रहे हैं, ये 45 मीटर रोड है जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 45 मीटर रोड ये आपको दिल्ली रोड के साथ आपको आगे जाकर कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही इस तरफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सामने आपको मार्केट के शॉप्स बनी हुई देखने मिल रही हैं, ये रोड भी आपको सामने जो 45 मीटर रोड है, जो सेक्टर 26 और सेक्टर 28 अपने उमेक सिटी के साथ आपको कनेक्ट करने का काम करता है, वो 45 मीटर रोड देखने मिलेगा। तो इस तरफ भी 45 मीटर रोड और इस तरफ भी 45 मीटर रोड, पीछे आपको पूरा सेक्टर 27 देखने मिलेगा। तो इतने गजब के लोकेशन के ऊपर 18 मीटर रोड के ऊपर एक बहुत ही गजब का 500 गज का प्लॉट सेल के लिए आया हुआ है, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज के अंदर डायमेंशन आपको देखने मिलेगी यहाँ पर इस प्लॉट के, जो कि 14 मीटर के फ्रंट के साथ आपको ये देखने मिलेगा। इसके साथ ही अगर डेप्थ की बात करते हैं, तो 30 मीटर की आपको इसकी डेप्थ देखने मिलेगी, जो कि बिल्कुल HSVP सेक्टर के अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है। इसके साथ ही गाइज, ये प्लॉट आपको बिल्कुल यहाँ पर मार्केट प्राइस के ऊपर इसके साथ ही बहुत ही अच्छे रेट के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप एक बड़े साइज के अंदर प्लॉट करेंगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट लोकेशन है। इसके साथ ही बिल्कुल बहुत अच्छा प्रीमियम देने वाला प्लॉट आपके लिए यहाँ पर देखने मिले, क्योंकि 18 मीटर रोड के ऊपर बायर्स की काफ़ी डिमांड रहती है, और इसके साथ ही काफ़ी सारी जो रेपूटेड फैमिलीज हैं वो बिल्कुल मेन रोड के प्लॉट देखना चाहती है, बड़े बड़े प्लॉट देखना चाहती है।
तो आप इस प्लॉट के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट फ्यूचर के अंदर कमा सकते हैं। इसके साथ ही गाइस अगर आप कोई भी जानकारी इस प्लॉट के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए संपर्क करके साथ ही बात करते हैं रोहतक सिटी के अंदर सेक्टर 27 के अंदर सभी जो रेजिडेंशियल सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इसके साथ ही सीवरेज काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और नए नए मकान यहाँ पर बनने स्टार्ट हो चुके हैं, रेजिडेंस बढ़ चुकी है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल बेस्ट लोकेशन यहाँ पर बनेगी। तो गाइज लक्ष्य प्रॉपर्टी टीम से जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिनों संपर्क करें और रोहतक सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।